हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। और आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जाएंगे कि जो हमारे पास में दो फूड की ब्रांड्स हैं, डॉग फूड की ब्रांड, एक है फोकस और एक है पेडिग्री, और उनके जो कैटेगरी है पपी फूड की, उसको हम कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा फूड जो है वो बेटर रहेगा इकोनॉमिकली और डॉग की हेल्थ के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में यहाँ पर है पेडिग्री पपी, जो कि 3 किलो का पैक है, और इस फूड को हम डिस्कस करने जाएंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है और इसमें फूड कंटेंट क्या क्या है, और हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे पेट पेरेंट्स के साथ में वो हम देखने जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं न्यूट्रिशनल एनालिसिस में, और न्यूट्रिशनल एनालिसिस में आप साफ में देख सकते हैं इसमें कि जो क्रूड प्रोटीन कंटेंट है, जो प्रोटीन कंटेंट है वो है 24%, फैट परसेंट है 10, और साथ में ही क्रूड फाइबर्स हैं वो 5% है। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, के जो पपी की जो ग्रोइंग फेज़ है, जिसमें पपी छोटा है, अभी आपका 2.5-3 महीने का है, वहाँ से लेकर के 7-8 महीने तक का जो पपी है, उसकी ग्रोथ के लिए आप देखेंगे कि उसे प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने के लिए आपको जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपर कब हो सकती है, जब आप उसे अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन देंगे, अच्छी क्वालिटी का आप प्रोटीन देंगे। तो पेडिग्री में यहाँ पर 24% जो है वो प्रोटीन कंटेंट है। इसके अलावा और हम देखें इसमें आपको, जैसे कि मैंने पेडिग्री प्रो में जो है वो बताया था कि उसमें मल्टी विटामिंस, मिनरल्स और असेंशियल अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रम भी था, तो वो सिंपल पेडिग्री पपी से ज़्यादा बेटर रहता है, वो सुपीरियर क्वालिटी का रहता है, इस वजह से उसकी रेट भी हाई रहती है। एक पेडिग्री पपी 1.2 kg का आपको MRP रेट मार्केट में जो है 260-270 के अप्रॉक्स मिल जाएगी, और इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन कंटेंट अगर मैं फोकस ड्रूल्स के फोकस से कंपेयर करूं तो उसमें आपको कम मिलेगा। तो आइए मैं ड्रूल्स के फोकस के साथ में इसको कंपेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि किस में प्रोटीन क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में फोकस पपी फूड है जो कि 1.2 kg का है, और इस फूड में हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एनालिसिस गारंटेड इन्होंने किया हुआ है, जिसमें ये बताते हैं प्रोटीन जो है वो 28% है, और मिनिमम फैट जो है वो 16% है, और क्रूड फाइबर 2.5%, और मॉइस्चर कंटेंट 10% है। तो सिंपल सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि पेडिग्री पपी में 24% जो था वो प्रोटीन था और 10% फैट था। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोइंग फेज में, तो आप अगर उसमें फोकस यूज़ लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट भी 28% है, तो पपी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, प्लस फैट परसेंट यहाँ पर 16% है। तो अगर बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे डॉग का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो वज़न किस प्रकार से बढ़ाएं, तो वज़न बढ़ाने के लिए आपको फैट कंटेंट और प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फोकस रूल्स की जो हम देखते हैं कि ब्रांड है, जिसमें आप देख रहे हैं इसकी जो 1 किलो का पैक है वो आपको महंगा पड़ेगा, वहाँ जहाँ पर पेडिग्री पपी पड़ रहा था 270-260 का, यहाँ पर फोकस पड़ेगा 600 MRP पर, दो और हो सकता है डिस्काउंट आपको मिल जाए कुछ पेट शॉप में या पेट क्लिनिक में, तो वो बात अलग है। तो ये मैंने आपको कंपेयर करके बताया है पेडिग्री, सिंपल पेडिग्री पपी और फोकस फूड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।